वैसे तो बहादुरी के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, मगर बहादुरी से डर का पता नहीं चलता। डरपोक को अपनी जान जाने का डर होता है, लेकिन अगर आप मौत से ज्यादा डरते हैं तो फिर आप अंधेरे को खूब समझते हैं। आप ये भी जानते हैं कि कुछ जख्म कभी नहीं भर पाते और कुछ चीजें हमेशा हमेशा के लिए चली जाती हैं, और ये मौत से भी बुरा होता है। क्या हुआ? ड्रैगन, पानी, मुझे पानी दो। क्या ये जिंदा है? कहना मुश्किल है। क्या हुआ? ड्रैगन बर्न। कितनी दूर? जंगल से ज्यादा दूर नहीं। बुरा हुआ, हम तैयार नहीं हैं। फिर मेरी मानो तो तैयार हो जा। केंड्रिक, तुम ठीक हो? हाँ, क्यों? तो इतनी देर क्यों लग रही है? नालिया का इंतजार कर रहा हूं, वो इस समय यहां पर आती है। चलो, हमें गांव लौटना चाहिए। अभी? क्योंकि बहुत से काम है। तुमने कभी शादी क्यों नहीं की डेरियस? मैंने इसके बारे में सोचा नहीं कभी। लेकिन क्या तुम अब सोचते हो? देखो, औरतें मुसीबत होती हैं केंड्रिक। मैं ऐसा सोच रहा हूं। शादी के बारे में सोचने के लिए तुम बहुत छोटे हो, अभी बहुत से साल हैं तुम्हें शादी करने में। लेकिन मैं मेहनत करता हूं। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, मगर ना घर है, ना जमीन है, ना जानवर है। हाँ, मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी ऐसा सोच तो रहा हूं। देखो, ऐसे सपने नहीं देखने चाहिए जो पूरे ना हो। तुम ऐसा इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुमसे किसी ने शादी नहीं की, क्योंकि तुम बहुत बदसूरत हो। उतना बुरा नहीं हो। हाँ, थोड़ा रब जरूर हूं। और तुम सुस्त भी हो। अच्छा, ऐसा है क्या? चलो रेस लगाते हैं। मेरे पास दो बाल्टियां हैं, फिर भी मैं तुम्हें हरा रहा हूँ, देख रहे हो? मैं तुम्हारे बिल्कुल पीछे हूँ। उससे क्या होता मैं है? तुम्हें हरा दूंगा। ऐसे ही खुश मत हो। हेवन और कितना दूर है? दो दिन लगेंगे अगर धीरे चले। तुमने मेरा सामान बेचकर जो पैसा कमाया उससे खच्चरी खरीद लेते? उससे तो जर्नी पूरी करनी मुश्किल है। तुमने बहुत कम में बेचा है ना? तुम्हें खच्चर चाहिए और तुम ज्यादा सोच रहे हो। क्या तुम कुछ पका रहे हो? नहीं। अजीब सी गंध आ रही है। अब इसका क्या मतलब है? सच में किसी चीज की गंध आ रही है। अभी चलना है।
अपना सामान उठाओ जल्दी। हम उन्हें छोड़ नहीं सकते, लेकिन वो बच नहीं सकते। हमें कुछ तो करना ही होगा। हम कर रहे हैं ना। हमें निकलना होगा अभी। डेरियस, डेरियस, हम गलत रास्ते जा रहे हैं। हम हेवन नहीं जा रहे हैं। हम बेस की तरफ नहीं जा सकते, वहां बहुत खतरा है। और हमें जाना ही होगा। हम मारे जाएंगे। मुझ पर भरोसा करते? हाँ। तो मेरे पीछे आओ, हम बच जाएंगे। तो मेरे साथ ही चलते रहना। ठीक है। वो पहला स्टेप क्या है जिससे हम बच सकते हैं? देखो, अगर ऑर्क से बचना चाहते हो तो उनकी नकल करो। सही कहा। अगर हम उनके जैसी आग जलाएंगे तो वो हमें इग्नोर कर देंगे। मुझे तो आग जलाना भी नहीं आता। मैंने तुम्हें कितनी बार सिखाने की कोशिश की। हाँ, जानता हूँ। देखो, आग से डरना नहीं चाहिए, बस उसे कंट्रोल करना आना चाहिए। मैं डरता नहीं हूँ। क्या सच में ये काम करेगा? Well, गारंटी तो नहीं है, पर मैंने फादर से कहा था कि मैं तुम्हें बचा लूंगा, और मैं झूठा नहीं कहलाना चाहता हूँ। तुम आराम करो, हम सुबह सवेरे निकलेंगे वेस्ट की तरफ। वेलवुड, हम ट्रैवलर्स हैं, नुकसान नहीं करेंगे। अगर जाने नहीं दिया तो तुम्हारे लीडर का सर काट देंगे हम। मैं हूं इन सब लोगों का लीडर। अगर तुम्हें खून ही बहाना है तो बकवास मत करो। मैं जानता हूं कि कौन लीडर है। बहुत हुआ रॉलेंट, सब हथियार गिरा दो। सुना कि नहीं? मैं हूं नेथन अरबोलनाय से, और ये मेरे आदमी हैं। तुम दोनों लोग ऐसी खतरनाक जगह पर क्या कर रहे हो? हमारी वजह है, मगर तुमने हम पर अटैक क्यों किया? आपकी वजह से। मैं 11 साल से ऑक्स का शिकार कर रहा हूं। मैंने गलती से तुम्हें वो समझा जो हमारा दुश्मन है,
ऑक्स और इंसानों के बीच संबंध होना कोई ताज्जुब की बात नहीं है। मेरा संबंध सिर्फ मेरे भाई के साथ है। फिर हमारी गलती थी कि हमने तुम पर हमला किया। तुम बहुत अच्छा लड़े, हमारे लिए काम के हो सकते हो। देखो, तारीफ के लिए शुक्रिया, मगर मैं किसी के साथ मिलकर काम नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, तुम थोड़े घमंडी भी हो। क्या कहा? यहाँ से अगर आगे तुम ट्रेवल करोगे तो तुम अपनी जान खतरे में डाल रहे हो। हमें कुछ नहीं हुआ। तुम अपनी जान बचाने का हमें मौका दे सकते हो। देखो, हमें तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। इसे हमारे हमले की माफी समझो जो हमने किया। तुम किस तरफ जा रहे हो? वेस्ट। वेस्ट? वहां तो कुछ नहीं है। ओकार, हम ट्रैवल करेंगे ओकार तक। हम रास्ता बदल रहे हैं, अब हम इनके साथ ओकार तक जाएंगे। तुम्हें कैसे पता चला? क्या पता चला? कि तुम एक ड्रैगन हंटर थे। तुम काफी इंटरेस्टिंग ग्रुप को लीड कर रहे हो, बहुत अलग है सब। हाँ, वो जो मेरे भाई के साथ ओलिक, वो काफी ताकतवर है। बिजर्क, क्या वो वाकई आधे जानवर है? मैंने उन्हें बात करते नहीं सुना। तो उस पर भरोसा कैसे कर सकते हो? हम तुम पर भी भरोसा कैसे कर सकते? रोलैंड, ये दोस्त है, इसने मेरी जान बचाई। किस काम के लिए? हम इस आदमी को नहीं जानते। मैं तुम पर शक नहीं कर रहा, लेकिन मैं तुम्हारी औकाट तक की यात्रा पर क्यों विश्वास करूं? रोलैंड, उस जगह 100 साल से ज्यादा वक्त से कोई नहीं है। इस आदमी ने कहा और तुमने मान लिया कि ये ड्रैगन हंटर है? सारी दुनिया को छोड़कर हमारे ही बीच ड्रैगन हंटर को क्यों होना? क्यों ना हो, हम इस पर भरोसा क्यों नहीं कर सकते? इसे माफ कर दो, कई बार ये ज्यादा बोल जाता, लेकिन ये दिल का बुरा नहीं है। मैं समझ सकता हूँ, माफ करना, मगर मेरे शब्दों के अलावा कोई प्रूफ नहीं है। इन निशानों का क्या मतलब है? सुनो दोस्त, वो इसके बारे में कभी नहीं बताएगा। मगर क्यों? क्योंकि वो बोल नहीं सकता। बताओ इसे, बताओ इसे। अच्छा। क्या तुम उसे झूठा कह रहे हो? झूठा? और मैं? पहले अपना चेहरा देखो। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुमने सुना नहीं, वो बहुत गुस्से वाला है। गुस्से वाला? मतलबी और गुस्से वाला। सुनो बच्चे, मैंने सुना है उसने उस आदमी का पैर काट दिया था और फिर उसने आग लगा दी। बिल्कुल सही। फिर उसने अपनी जलती टांग से उस आदमी की पिटाई की, इसलिए अपने कदम संभाल के रखो, समझे ना? हाँ, इसने सही कहा। शुक्रिया। खाना तो है ना? हाँ जरा सा, जल्दी में निकले थे हम लोग। लेकिन खाने के बिना काम नहीं चलेगा। हमारा खाना कम है। मैंने तो नहीं पूछा इस बारे में। सर, इस पूरे एरिया में सड़ी हुई आंतों के निशान मिल रहे हैं, और सर बोले के ट्रैक्स उधर आगे की तरफ। ऑर्क्स? और कोई खास बात? नहीं सर। गुड, चौकन्नी रहो, हम साउथ में जाएंगे। ठीक है सर। बहुत ही अच्छी स्काउट है ये। सही कहा। और एक खूंखार वॉरियर भी। हाँ है तो, लेकिन तुम इतना क्यों पूछ रहे हो? फिक्र है, और कुछ नहीं। दरअसल मैंने किसी औरत को इतनी काबिलियत से लड़ते नहीं देखा। इसने कई लड़ाइयां देखी हैं, शायद कुछ ज्यादा ही। अब तक भूखे हो डेरियस? तुम उसे जिंदा कर रहे हो? नहीं, सच में। ऑस्विन ने बताया था उनका साइज 10 हाथियों के बराबर और दांत तलवार जैसे तेज। मौका नहीं मिलेगा। तो वो चुपचाप कैसे घूमते हैं? हाँ, वो दिन में शिकार नहीं करते। ना ना ना, वो तो रात के शिकारी हैं। वहां कोई तो है जो हमें देख रहा है। हमारा ग्रुप छोटा है और खाने में परेशानी नहीं होगी। क्या तुमने सच में ऐसा?
ध्यान से सुनो, उसके विंग्स की आवाज सुनो, सुनो। तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? ड्रैगन्स। हाँ, क्या तुमने देखा है कभी? इसे कोई भी नहीं बच पाया ऑस्विन के अलावा। ओ हाँ, ऑस्विन। ऑस्विन कौन है? ऑस्विन एक जादूगर है जो हमारे गांव में रहता है। वो हमारे गांव को खतरों से बचाता है, बुरे बुरे खतरों से। सुना है एरन ने एक देखा है। अभी तुम्हें भरोसा हुआ या नहीं? एरन तो पागल है। पागल बुढ़ा कहीं का, उसने कुछ नहीं किया। वो बस बच्चों को डराता है। नहीं, उससे थोड़ा अच्छा है। किसी के बारे में इस तरह पीठ पीछे बात करना ठीक नहीं है। ओके, ठीक है, समझ गया बच्चे। बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे। ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। अब इसको डराना बंद करो यार। देखो पेड़ से खजूर गिर रहे हैं। खजूर यहाँ बड़े नहीं होते। मजाक कर रहा है। चुप रहो तुम दोनों के दोनों, हम सबको मरवा दोगे। क्या क्या उसने किया है? मैंने उसे करते हुए नहीं देखा। क्या तुम में से कोई पिछले एक घंटे से चौंकना है? क्या किसी ने नोटिस किया है कि हम लोग ऑक्स के इलाके में हैं? ऑक्स? इसलिए जंगल में मस्ती मजाक बंद करो और अपने काम पर ध्यान लगाओ। गुस्से में बहुत प्यारी लगती है। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। नहीं, ये कुछ और है। तो तुम बोल नहीं सकते या बोलना चाहते नहीं हो? मैं भी चुप रहा करता था, ऐसा मुझे बताया गया है। मुझे तो याद नहीं, बचपन में ही मेरे माता पिता चल बसे। हमेशा सोचता हूं उनको जान पाता तो अच्छा होता। उन्हें मार दिया गया था, इसलिए डेरिस इस रास्ते पर चल रहा है। उसे फिक्र रहती है कि मुझे कुछ ना हो। कई बार वो बहुत परेशान भी हो जाता है। बहुत कुछ है ऐसा जो उसने मुझे नहीं बताया, और मैं भी शायद उससे ये सब पूछ ही नहीं पाया। जहां तक मेरा ख्याल है, हम सेफ रहेंगे अगर हम इस वैली से चलें और दूसरी तरफ पहुंच जाएं। इस रीजन में कुछ तो गड़बड़ है, यहां ऑक्स का आना जाना है, पर और कोई रास्ता नहीं है। वो इन कम घने जंगलों से नहीं जाएंगे। अगर हम यहां से जाएं तो उनसे पहले पहुंच सकते हैं। तुमने पहले ऑक्स को ट्रैक किया? मैंने शिकार किया और करीब आने तक इंतजार नहीं करूंगा। किसी को मारा है तुमने? बहुत ज्यादा नहीं, मुझे कुछ भी नहीं मिला। गुड, हमें उन दोनों को साथ ले जाने से पहले दो बार सोचना होगा। तो क्या हम उन्हें यहीं पर छोड़ दें? हम उन्हें गांव में छोड़ सकते हैं। हाँ जरूर, हम एक दिन पीछे रह जाएंगे, लेकिन हमें हमारी सेफ्टी ज्यादा प्यारी है। नहीं शुक्रिया, मुझे उन दो लोगों की फिक्र रहेगी जब वो विलेज के पास जाएंगे, पर अभी हम सबका सो जाना ठीक रहेगा। मैं उस पर नजर रखूंगा। थैंक यू रॉलेंट, गुड नाइट। हाँ, वेल गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। मुझे लगता है कि रात को मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। बिल्कुल नहीं, तुम तो खजूर की बात कर रहे थे। उन्हें पर्जिया से इम्पोर्ट किया गया था। ओह सही, मैंने तुम्हें कुछ ऑफर किया था लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं रखा। तो तुमने उन्हें कैंप छोड़ दिया? वो मेरे बैग में। तुम उन्हें बाहर छोड़ के आ गए? क्योंकि यहाँ पे तरह तरह के जानवर हैं। और ध्यान रहे, गॉब्लिन्स। गॉब्लिन्स? गॉब्लिन्स छोटे और बुरे। ओ, क्या बोला तुमने? यस, और गॉब्लिन्स को खाना चुराना पसंद है। ओ, हमेशा भूखे। ओ यस, सभी सावधान हो जाओ, यहाँ गॉब्लिन्स हो सकते हैं। तुमने हमारे एक फ्रेंड का कुछ खाना चुराया है। ये आइडिया कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है। हाँ, और उसे वापस चाहिए। ये उस तरह का इंसान नहीं है जैसा सोच रहे हो। अपनी बकवास बंद करो,
नहीं तो मैं तुम्हारी गर्दन तुम्हारे शरीर से अलग कर दूंगा। रोलैंड, फर्क नहीं पड़ता कि तुम कैसे मरना पसंद करोगे, लेकिन हम सभी जिंदा इस यात्रा को खत्म करेंगे। और अगर तुम दोनों ने अपनी बकवास बंद नहीं करी तो मैं तुम दोनों को मार दूंगा। ठीक है, समझ तो गए होंगे। समझ गया। ठीक है, देखो मेरी बात सुनो। हेनरी। यस सर। इनकी बातों पर ध्यान मत देना। मैं राय से अग्री हूं, हमें उन दोनों लोगों को जितनी जल्दी हो सके छोड़ देना चाहिए। तुम जरूरत से ज्यादा ही जानते हो। क्या हुआ? क्या हो रहा है? नहीं पता कि तुम क्या करने वाले थे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसे छूने की कोशिश मत करना। देखो मैं जानता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। केंड्रिक ये तुम्हें मारने वाला था, लेकिन मैं अभी भी जिंदा हूँ। केंड्रिक, तुम्हारा आदमी मेरे भाई को मारने वाला था। ऐसा नहीं है, उल्टे उसने हम सबकी जान बचाई है और तुम्हारी भी। हम इस पर भरोसा नहीं कर सकते, ये हमारे साथ ट्रैवल नहीं कर सकता। हमें एक दूसरे पर भरोसा करना ही होगा। तुम मेरे आदमियों को मार सकते थे लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुम्हारे भाई को कुछ नहीं हुआ, उसने हमारी जान बचाई है और मैं अपनी कंपनी की जान सिर्फ तुम्हारे भाई की जान बचाने के लिए खतरे में नहीं डालूंगा। वो खतरनाक नहीं वो है, वो है। ओलेक्स हमारे साथ रहेगा और हम तुम्हें एस्कॉर्ट करते रहेंगे, तुम्हें अच्छा लगे या बुरा। वो ऐसा ही करो। तुम बहुत बहादुरी से लड़े। इसमें कोई बहादुरी नहीं है। मानो या ना मानो, हमारा क्रू आज सिर्फ तुम्हारी वजह से ही जिंदा है। नहीं, ये मेरी वजह से नहीं है। तुमने दूसरों के लिए अपनी जान खतरे पर लगा दी, शायद कोई दूसरा ऐसा ना करता। तुम्हारे कॉम्प्लीमेंट्स के लिए शुक्रिया, मगर मेरी इंटेंशंस को मेरी बहादुरी मत समझना। बिल्कुल यही बात है। शुक्रिया। हमें नदी मिल गई है, पानी पीने के लिए रुको।
ड्रैगन आ गया। ये क्या तरीका है? तुमने मजाक किया ना? तुम डर गए थे ना? मजाक किया ना? अब तुम्हारी बारी। इसमें हमारी जान जा सकती थी। वो बहुत नजदीक था। एक वार्निंग थी। क्या मतलब? यहाँ बॉर्डर्स पर छोटे ग्रुप्स मौजूद हैं। अगर जंगल को तेजी से पार नहीं किया ना तो शायद आर्मी से सामना करना पड़े। हम रात में नहीं रुक सकते। हमें ये करना होगा। वो एक कोऑर्डिनेटेड अटैक था। वो सारे ऑक्स नहीं थे। डेरिस ने सही कहा। उस तरफ के लोग बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। और ड्रैगन्स का क्या? वो भी हमें आसानी से ढूंढ लेंगे कैंप में। हमें जल्दी से निकलना होगा यहां से। तुमने सही कहा, लेकिन तुम जानते हो ना कि रात में चलने में खतरा होता है। हम रात में ट्रेवल करेंगे, तुम हमारे साथ होना। मैं साथ चलूंगा। तो चलना चाहिए। इस एक का साइज 3 बेयर्स के बराबर है। हाँ, अगर तुम 3 बेयर्स को एक साथ रखकर कंपेयर करो तो तीनों बेयर्स को एक के ऊपर एक रखो तो जितना साइज होगा वो बेयर उतना ही बड़ा था। सही कहा तुमने। हे, इसका क्या मतलब है? क्या मतलब? मेरा पानी का बैग चुराने का। पानी? ये मेरा पानी का बैग है। मैं इसके बारे में नहीं जानता हूँ। वापस दो। रहने दो, भूल जाओ इसे। तुम्हें गंध आ रही है? मजाक मत करो, मेरा बैग दो। क्या? वापस दो इसे। ये मेरा है। क्या इस पर तुम्हारा नाम लिखा है? वो क्या था? मुझे लगता है वो एक शोर था। किसका? ड्रैगन का। चुप रहो। मेरा बैग दो। हाँ ठीक है, ये लो, ये लो। वो वहां है। नहीं छोड़ूंगा। माफ करो। ठीक हूं, सब लोग साथ में रहो। डेरियस, तुम उस तरफ जाओ। बचा। वो मर चुका है। सुबह होने तक हमें इसे गांव तक पहुंचाना ही होगा। मेरे साथ रहना। चलो। ऑस्विन को ढूंढो। ऑस्विन, हमें ऑस्विन चाहिए। उस तरफ। ये एक ड्रैगन ने किया है। मैं देख सकता हूं। लकी है ये जिंदा बच गया। बाहर जाओ। जाओ। Hmm.
तुम गई क्यों थी? मुझे बेनरा डोनालीज की जरूरत थी। नो प्लीज, वो अभी पूरी तरह से पका नहीं है। तुम ये ले सकते हो, अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। उसकी बॉडी पूरी तरह से जल चुकी है। तो क्या विजर्ड के पास कुछ नहीं है जो उसे दे सके? विजर्ड? ऑस्विन कोई विजर्ड नहीं है। तुम्हें चोट लगी है? अरे ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? वैसे उतना बुरा नहीं है। बैठ जाओ। से पहले इसे मत उतारना, ये ठीक हो जाएगा पर थोड़ा टाइम लगेगा। थैंक यू। मुझे लगता है अब हमें वापस लौटना चाहिए। ये सब तुम्हारे भाई ने शुरू किया है। वो तुमसे बहुत छोटा है रोलर। उसे इन सब चीजों को शुरू ही नहीं करना चाहिए था। तुम बीच में मत पड़ो। चुप हो जाओ। भाई की बात सुनी बच्चे? तुम ये क्या कर? तुम उसे हरा नहीं पाओगे कैंड्रे। तुमसे किसी ने नहीं पूछा। तुम पीछे नहीं आ सकते। मैंने कहा था तुम बीच में मत पड़ो। तुम डरपोक हो। तुमने उन लोगों को मरने दिया। क्या? तुमने उनको क्यों नहीं बचाया? तुम एक ड्रैगन हंटर हो और तुमने उसे हमारा घर जलाने दिया। हमारा कोई घर नहीं है केंड्रिक, बस तुम और मैं हैं। दूर हो जाओ उससे। हाँ शुक्रिया, मैं खुद कुछ बनाना चाहता था। इसे उसके जख्मों पर रख दो। मुझे पता है लेकिन उसका मुंह जल चुका है। कहाँ? दिखाई नहीं देगा। ओह ये देखो, खत्म हो गया। बहुत तेज काम करता है ये। क्या तुम बाकी का लगा दोगे? मुझे लोगों से कुछ बात करनी है। सारे लोग यहाँ आ जाओ। पता नहीं क्या कहने वाले, आज क्या कहने वाले, आज क्या कहने वाले। ऐसे क्यों बुलाया? आज रात
हमें एक सोल्जर के खोने का दुख है, नहीं। लेकिन दूसरे की जान बचने की खुशी है। मेलनिक बच गया है। क्या बात है, अच्छा? बहुत सही, बढ़िया। पर ड्रैगन का क्या? हाँ, ड्रैगन का क्या? इस बेचारी क्रीचर से मत डरो, उसके पास मौत की चिंगारियां हैं तो मेरे पास जिंदगी की। अब कोई भी खतरा नहीं है, आज की रात जश्न की रात है। हाँ, बहुत मजा आएगा, चलो। हाँ, ये अच्छा था। ये लोगों से तुम क्या कहते फिरते हो, ऐसा मत किया करो। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? इसका साइज 15 हाथियों के बराबर और दांत तलवार की तरह थे, लेकिन मैंने उसे अगली सांस नहीं लेने दी। उसने मुझे अपनी शैतानी लाल आंखों से देखा, मैंने भी उसको देखा। हाथ में सिर्फ एक लाठी थी और कुछ नहीं, और तब चिंगारी। वो जैसे ही घबराया, मैं एक तरफ खड़ा हो गया, तेजी से वार किया और उसे खत्म कर दिया। मैं तुम्हें पूरी बात नहीं बताऊंगा, बताया तो तुम लोग हिल भी नहीं सकोगे। और उस खतरनाक क्रीचर का मैंने पूरी तरह से काम तमाम कर दिया। हर बार उसकी कहानी अलग होती है, बिल्कुल उसके ड्रैगन के साइज की तरह। हेलो, मैं केंड्रिक हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ, मैं एरन हूँ। मुझे खुशी होगी अगर तुम मेरी मदद करो, अगर तुम फेस्टिवल में हिस्सा ले रहे हो तो। ठीक है, आओ मेरे साथ। मैंने तुम्हें ऑस्विन के साथ देखा था। वो झूठा है, बेवकूफ है। वो एक ताकतवर जादूगर है। ट्रिक्स है और कुछ नहीं। कहानियों पर यकीन रखते हो? ड्रैगन वाली पर नहीं। अच्छा है, उस जादूगर ने जो भी बोला वो झूठ है। तुमने कोई देखा है? ये तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल होगा, पर तुम्हें इसे देखना चाहिए। आओ। तुम क्या कर रहे हो? पीछे रहो। उधर मत देखो, तुम्हें देखना चाहिए इसे कैसे करते हैं। ये क्या है? उनमें से एक है। एक ड्रैगन? देखो, वो स्टिक की मदद से एक कट लगाते हैं और जख्म को आग से बंद कर देते हैं। तुम देख सकते हो, वो यही सब कर रहे हैं। तुम्हें ये सब कैसे पता है? मेरा एक दोस्त है, मुझे लगा वो बुरी तरह से जल चुका है। वो इसे शिकार करके मारना चाहता था। उसने कई दिन इसको तलाश किया, खूब ढूंढा। आखिर में हम उसकी गुफा तक पहुंच ही गए। उसी वक्त मेरा दोस्त बहुत ज्यादा बीमार हो गया। फिर एक दिन एक ड्रैगन अंदर से बाहर निकल आया। एक छोटे से शैतान ने मुझ पर वार कर दिया। मैं पलटा और उसकी एक आंख की तरफ जाकर मार दिया। उसने मुझे बहुत बुरी तरह काटा। मुझे जंगल को पार करने में कई दिन लग गए। मैं मरने वाला था और खून से लथपथ था, लेकिन मैं बोल पा रहा था। किसी ने यकीन नहीं किया, उस जादूगर ने भी नहीं जो यहां तरह तरह की कहानियां सुनाता रहता है।
और अब मैं यहां इसके सामने खड़ा हूं। तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मैं तुम्हें ये सब क्यों बता रहा हूं? ताकि एक दिन मेरा भाई ड्रैगन से लड़ सके। तुम्हारा भाई तुम्हें इतने खतरनाक सफर पर क्यों ले जा रहा है? और कोई रास्ता भी नहीं है। चोट कैसी है? बेहतर है, थैंक यू। तुम अपने भाई से बहुत प्यार करते हो। वही मेरी फैमिली है। अब माँ बाप की मौत के बाद उसकी सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। क्या हुआ था उनको? मैं 9 साल का था। मेरे भाई का पहला बर्थडे आने वाला था बस कुछ ही हफ्तों में। रात में मेरे पिता ने मुझे उठाया, मेरे भाई को मुझे दिया और कहा कि तुम जंगल में भाग जाओ। पूरे गांव में आग लगी हुई थी। मेरे पिता ने कहा कि वो मां को ढूंढने जा रहे हैं और फिर वो हमारे पास लौट आएंगे। वो आखिरी बार था जब मैंने अपने पिता को देखा। ऑर्क्स। हम एक बहुत ही शांत कॉलोनी थे। तो फिर हम पर हमला क्यों किया गया? सिर्फ खून के लिए? मैं 14 साल का था जब मैंने पहली बार किसी ऑर्क का शिकार किया और उसके बाद मैं नहीं रुका। मेरे अंदर बहादुरी नहीं, बस नफरत है। इस अंधेरे में खुद को मत धकेलो तुम। मुझे तुम्हारी आंखों में एक बहुत ही अच्छा इंसान दिखता है। आराम करो। मैं कहना चाहता हूं कि मुझे तुम्हें यहां लाने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हारे नुकसान का बुरा लगा, लेकिन इस वाकये से यह पता चल गया कि आगे कितनी मुश्किल होगी। अभी तुम आराम करो, लेकिन हम कल सुबह ही यहां से निकलेंगे। जी सर। गुड, आराम करो। केंड्रिक, तुम ठीक हो ना? हाँ ठीक हूं। वेल, तुम आराम करो, हम कल सुबह निकलेंगे। डेरियस। हाँ बोलो। ठीक से सोना। कितने ताकतवर हो तुम? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम्हारे पास कई आदमियों की ताकत है?
नहीं। इतनी बहादुरी से कैसे लड़ते हो? देखो, लड़ना मेरी जरूरत है। तुम लड़ते हो बिना किसी डर के। तुम्हें लगता है कि डर किसी को कमजोर बनाता है? मैं कमजोर हूं, बहुत ही ज्यादा। देखो, ये डर ही है जिसकी वजह से मैं लड़ पाता हूं। क्या तुम में ऐसी कोई काबिलियत नहीं जो दूसरे लोगों के पास नहीं? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। मैंने सुना है कि एक ड्रैगन हंटर की स्किन लोहे जैसी होती है, जो उसे बहुत बहुत ज्यादा ताकतवर बना देती है, यहां तक कि उसे जलाया भी नहीं जा सकता। तुमने बहुत सारी कहानियां सुनी है लगता है। मैंने ये भी सुना है कि ड्रैगन हंटर जब अपनी माँ के पेट में होता है तो उसे अजीबोगरीब सपने दिखाई देते हैं। हाँ, माँ सपनों के बारे में बताती है। क्या तुम्हें तभी पता चला? क्या? हाँ। क्या यह सच है कि ओकार्ड का किला हंटर को ट्रेन करने की लिखावट से भरा हुआ है? हमें पता चल जाएगा। सोचो, सदियों से जमा की गई जानकारी, वो डरावने हैं। क्या? कासल ग्राउंड्स। तुम हर सुनी बात पर यकीन कर लेते हो? हाँ, पर सभी बातों पर नहीं। एक दिन तुम जान जाओगे कि रियल लाइफ उतनी इंटरेस्टिंग नहीं होती जितनी ये कहानियां। हालांकि कभी कभी मुझे भी ये कहानियां अच्छी लगती हैं। तुम इतने अच्छे योद्धा कैसे बने? मैंने कहा ना हेनरी, लड़ना मेरी जरूरत है। यहां कुछ है राया? हमारे लिए आगे खतरा और है, हमें चौंकना रहना होगा। माफ करना, मैं कुछ ज्यादा बोल गया। वहां गांव में मेरा ये मतलब नहीं था। जानता। देखो, ये सभी लोग हमारे लिए कोशिश कर रहे हैं ना, तुम मुझे इतना दूर लेकर क्यों आए हो? तुम मेरे भाई हो, तुम मुझे गांव में भी छोड़ सकते थे। ओकार्ड पहुंचकर भी मैं तुम्हारे क्या काम आऊंगा? कोई भी ड्रैगन हंटर अकेले ट्रेनिंग नहीं लेता। हम पहुंच गए, हमने कर दिखाया। ये बहुत सुनसान है, लगता है यहां सालों से कोई नहीं आया। नहीं, कोई यहां की रखवाली करता है।
वो जा चुके हैं। राइटिंग्स कहां पर हैं? तुम्हें पता है कासल में कुछ रूम्स भी हैं? जानता हूं, लेकिन बचपन से मुझे जमीन पर सोना अच्छा लगता है, पर यहां यह खतरनाक हो सकता है। आराम करो। उसे कुछ ज्यादा ही चाहिए। कौन है वहां? हमारी कभी ढंग से पहचान नहीं हुई। मेरा नाम एरन है। तुम गांव से हो ना? हाँ। तो हमारा पीछा किया, पर क्यों? तुम उसे तलवार सिखा सकते हो? ड्रैगन के बारे में क्या जानते हो? किसे सिखाएंगे? क्यों नहीं बताया उसे वो क्यों है यहां? तुम उसे और छुपाकर नहीं रख सकते। तो कब से जानते हो तुम? जब से तुम आए। किसी को कैसे बताएंगे कि किस्मत से लड़ना किसी खतरनाक जानवर से लड़ने से ज्यादा खतरनाक है? तुम यह कैसे कह सकते हो? मैंने जो किया उसे बचाने के लिए किया। मैं उसे मौत के मुंह में तो नहीं छोड़ सकता था। यही तो उसे सीखना है। उसे पता होना चाहिए वो किसके खिलाफ खड़ा है। तुम्हें लगता है कि मैं नहीं जानता? हा? तो अब तक बताया क्यों नहीं? क्योंकि मुझे नहीं पता कैसे। एरन, तुम यहां क्या कर रहे हो? बहुत अच्छा सवाल है। यहां हो क्या रहा है? केंड्रिक, हमारी मां को सपने आते थे। उन्होंने सपना देखा कि उनका बेटा एक दिन बड़ा होकर एक ग्रेट वॉरियर बनेगा, एक ड्रैगन हंटर, और एक दिन वो बहुत सारे लोगों की जान भी बचाएगा। उन्हें सपने तब आते थे जब मैं छोटा था। जानते हो उनके ये सपने थे तुम्हारे लिए। क्या? नहीं, वो मैं नहीं हो सकता। मैंने तुम्हें बताने की कोशिश की है। नहीं, वो तुम हो। केंड्रिक, रुको। तुम्हें लगता है किसी चीज से डरना ठीक होता है? मुझे आग से डर लगता है।
एक ड्रैगन हंटर जो आग से डरता है। मैं ये नहीं कर सकता। डरने की जरूरत नहीं है, सही समय आने पर तुम जानोगे अपनी ताकत और तब तुम मौत से ज्यादा डरोगे और तब तुम्हारी आंखों से पर्दा हटेगा। तुम्हें ये बात अब और नहीं छुपानी चाहिए। मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली थी। हम सभी के कोई ना कोई राज होते हैं, मगर तुमने जो जंगल में किया वो कमाल था। तुम्हें नहीं लगता है क्या? मैं अपने आप से जुड़ना चाहती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मैं जुड़ नहीं पाती। तुम्हारे पास काबिलियत है, हुनर है, बहुतों के पास नहीं होता है, तो फिर तुम कैसे शर्मिंदा हो सकती हो अपनी चीजों को लेकर? मेरे पास कुछ नहीं है। मैंने जिंदगी को बहुत जी लिया है डेरियस, और जिंदगी की इस दौड़ में मैं अभी भी बहुत ज्यादा पीछे हूँ। किसी ने दिल तोड़ा तुम्हारा, आदमी खून का प्यासा होता है। हिल्स घमंडी और गुस्से वाले, और मुझे दोनों से ही कोई उम्मीद नहीं है। बहुत वक्त बीत चुका है। तो अब तुम्हारा ख्याल बदला क्या? क्या हम किसी लायक हैं? अब जाकर मैंने जो भी देखा है उससे मुझे लगता है इंसानियत थोड़ी अच्छी हो सकती है। हम भी किसी दिन शांति से रह सकते हैं। और बाकी वक्त मैं देख सकती हूँ उम्मीद की एक किरण। उम्मीद ढूंढने में मेरी मदद करोगी? तुम खो गए हो। मेरे लिए अकेले करना बहुत मुश्किल है। ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। तुम केंड्रिक के भाई हो। दुनिया का एक तरीका होता है, एक ऐसा तरीका जिसे बदला नहीं जा सकता। ये जंगल इसीलिए हरा भरा है क्योंकि आसमान से इसे बारिश मिलती है। अगर यहां कोई शिकारी हो तो वो सीख कर बड़ा हो जाएगा, और तुम में वो सारी काबिलियत है। तुम मेरे बारे में इतना ज्यादा कैसे कह सकते हो? मेरे फादर लड़ाई में मारे गए, मुझे वो याद भी नहीं। और जब मेरी मां ने दूसरी शादी की तो हमें कॉलोनी से निकाल दिया गया। पर क्यों? मॉडल से शादी करने पर। और तब मैंने ये कसम खाई कि मैं कभी किसी एल्फ और इंसान पर विश्वास नहीं करूंगी। और फिर मैं तुमसे मिली।
जानते हो क्या, अगर तुम इसे यूज करना चाहते हो तो इसे चलाना सीख लो। सिखाओ और घंटा। तुम आगे का सोचो, शुरुआत करो अंत का सोचकर। हाँ, ये तो बेहतर है। आराम से ट्रैवल करना, हमारी तैयारी पूरी है। तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं, बस कुछ ही दिन की बात हो रही। अगर हमारी किस्मत रही तो हम जरूर मिलेंगे। अब चलो भी यहां से। आसान नहीं होगा, लेकिन तुम्हें बहुत ध्यान रखना होगा। कुछ और भी है जो मुझे तुम्हें दिखाना है। मर सकते हैं, शुक्रिया।
शैतानी आत्मा मुझे ताकत दे, मुझे शक्ति दे, मैं हर एक चीज को, हर काली आत्मा को अपने काबू में कर सकूं। ऐ मेरे शैतानी आका, मुझे ताकत दे, मुझे शक्ति दे, मुझे ताकत दे, शक्ति दे, ताकत दे। तुम्हें क्या लगता है कितने होंगे? मैं नहीं जानता। तुम्हें लगता है हम कुछ बदल सकते हैं? कोशिश कर सकते हैं। क्या तुम डरे हुए हो? हाँ बिल्कुल, और मैं भी। ये तुमने अपने साथ क्या किया हुआ है? तुम बहुत ही खूबसूरत हो, मैं तुम्हें काबू करूंगा, तुम मेरी हर बात मानोगी। छूना मत मुझे। जल्दी ही तुम मेरी ताकत देखोगी और फिर कैसे मना करोगी? तुमने चुराया उन्हें, राइटिंग्स तुमने चुराई ताकि बेहतर इस्तेमाल हो सके। तुम पागल हो। ना, नहीं, मैं शैतान हूं।
वो क्या था? वो तो गांव है, सेलिब्रेशन, वो भी इतनी सुबह। नहीं, छोड़ना नहीं, मैं इसके लिए बहुत लड़ा, ये वही था, कि वो अंदर रुकते हैं। क्या ये सच है? इस शैतान को मेरे अंदर से निकाल दो। तू नहीं निकाल सकता। करना होगा। मैंने एक आदमी से प्यार किया। डेरियस, रुको, वो इसके अंदर नहीं है। क्या? इसमें से गन नहीं आ रही है, और देखो कोई जख्म भी नहीं है। तुम्हें यकीन है? हाँ बिल्कुल। सुनो, हम जब तक लड़ सकते हैं लड़ेंगे। हमने बहुत कुछ खो दिया, जो जिंदा है उन्हें साथ ले लो, इसे आराम करने दो। मैं छुप गया, मैं भागा और छुप गया। कोई बात नहीं हेनरी, हमें आयरन मिल गया। हे तुम चुप रहो, क्या वो इसे पहचान पाएगा? मैंने इसे दूसरों के साथ छोड़ने की कोशिश की, पर वो लड़ना चाहता था। हम औरों को बचा सकते थे, क्या हमें पता था हमारे साथ कुछ ऐसा हो सकता है? हमने सोचा भी नहीं था। वो उसे जाने नहीं देगा। बच्चे घंटों पहले मर चुके हैं। और नेथन? मुझे नहीं लगता वो जी पाएगा। कुछ मत कहो नेथन, बस यहां आराम करो। किसके लिए?
तुम अब यहां पर हो और बस यही जरूरी है। इसे खत्म करो, मुझे तुम पर विश्वास है ड्रैगन हंटर। शुक्रिया। वैसे तुम्ही ने तो मुझे ये सिखाया। अच्छा लगा कि तुम वापस आए। मगर हमें फिर से जाना होगा, शायद कल सुबह। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं, तुम्हारी हालत नहीं है अभी। अगर तुमने ये दवा ठीक से मिक्स की होगी तो मैं कल जरूर लड़ सकूंगी। फिर तो गलत ही मिक्स करना चाहिए था। हम जरूर जीतेंगे। जीत जाने पर भी सोल्जर्स की जाने तो जाती है। किसी अच्छी चीज के लिए जान देने से बड़ी और क्या बात हो सकती है। आप जिससे प्यार करते हो उसे खोने से बड़ा कुछ नहीं है। तुम मुझसे प्यार करते हो? मैं लड़ूंगी और हम जरूर जीतेंगे। देखो, अभी तुम बहुत कमजोर हो और शायद दोबारा चली तो बच ना पाओ। तुम आगे बढ़ो, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा मन बदल जाए। उसने बहुत सी औरतों और बच्चों की जान बचाई है, लेकिन वो खुद को नहीं बचा पाया। वो सबसे अच्छे योद्धाओं में से एक था और उसका कोई तोड़ नहीं था। अब कुछ ही बचे हुए हैं। सभी योद्धा बहुत ही बहादुरी से लड़े और अब कुछ ही बचे हैं। किस्मत से अब तक मैं बचा हुआ हूं। मुझे विश्वास है कि मैं उनसे बहुत जल्द मिलूंगा, पर लोगों की जान कौन बचाएगा? हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, इससे ज्यादा हमारे लिए क्या हो सकता है? अब हमें क्या करना चाहिए? हम शिकार करेंगे। आराम करो, कल हम शिकार करेंगे। सही कहा। मेरे पास एक प्लान है।
जो कुछ हुआ उसके बारे में एक बार फिर सोचो। ठीक है, जो भी हुआ उसे जरूर जानना है। रोशनी रोलैंड, उनकी आंखें अंधेरे के लिए बनी हैं। वो यही है। सब लोग छुप जाओ, अपनी अपनी पोजीशन ले लो। घबराओ मत, ये ऑस्विन के जादुई ऑब्स हैं। आ जाओ भद्दे ड्रैगन, दिखाओ कितनी ताकत है तुम में। डेरियस, नहीं! बहादुरी के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, शायद डर के बारे में और ज्यादा कहा जाना चाहिए। मेरे एक दोस्त ने कहा था कि कभी डरना नहीं। फिर जब समय आया, मैंने अपनी ताकत को पहचाना। मैंने जाना कि मेरा डर ही मेरी ताकत थी। मुझे डर है कि यह अंधेरा शायद कभी खत्म ही ना हो। मुझे डर है कि इससे कई अच्छे लोग अपनी जान गंवा सकते हैं। मैं डरता हूं उस बुराई से जो आएगी अगर मैं उसे रोकने के लिए कुछ ना कर पाया। मैं डरता हूं ड्रैगन से।